good morning all of you how are you i hope you all are fantastic i priyanka welcome to all on online evs class at home today we are going to cover day 11 of unit 6 force and simple machines in our previous class we have learned about the force types of forces work and simple machines can you tell me what are the types of simple machines yes there are six types of simple machines लीवर, व्हील एंड एक्सेल इंक्लाइंड प्लेन स्क्रू वेज एंड पुली ओके दीज आर द सिक्स टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन्स जिनमें से हमने लीवर को कंप्लीटली एक्सप्लेन किया और हमने लीवर की थ्री क्लासेस और यू कैन से ऑर्डर जो थ्री ऑर्डर लीवर्स हैं उनके बारे में भी पढ़ा इन फर्स्ट क्लास लीवर फलक्रम बीच में होता है इन सेकेंड क्लास लीवर जो हमारा लोड है वो बीच में होता है इन थर्ड क्लास लीवर एफर्ट बीच में होता है ओके टुडे वी विल कवर आर नेक्स्ट टाइप ऑफ सिंपल मशीन एंड दैट इज व्हील एंड एक्सेल नाउ आई शो यू अ वीडियो, यू विल वॉच द वीडियो केयरफुली, लेट्स स्टार्ट साइकिल गो और The simple machine called wheel and axle has changed the way people lived since the time it was invented. The round wheel is connected to a rod called the axle. Turn the wheel and the axle turns too. And that means anything resting on top of the axle turns too. If you look around, you can see examples of the wheel and axle everywhere. Something as simple as a doorknob. The knob is the wheel, and the rod that goes through the door is the axle. When you turn the knob, the rod turns easily. It seems simple, but try turning the rod without the knob. It would be very tough. Cars also use the wheel and axle. The steering wheel in the car is the wheel, and there is a rod that goes into the car that we cannot see, which is the axle. When the steering wheel is turned, the axle makes the tires turn too. Look around you and find more examples of the wheel and axle. Now I'll show you CRL. You will watch the CRL carefully. Let's start. व्हील एंड एक्सेल नाउ यू कैन सी इन द पिक्चर स्टियरिंग व्हील इन दिस पिक्चर यू कैन सी व्हील इज हेयर ओके ये जो स्टियरिंग है ये व्हील का वॉक कर रहा है ओके एंड एक्सेल इज हेयर यू कैन सी द स्टीयरिंग व्हील इन द कार इज द व्हील एंड विच इज कनेक्टेड टू अ रोड दैट एक्ट्स एज एन एक्सेल ये जो रोड है ये एक्सेल का वर्क कर रही है और ये जो स्टीयरिंग व्हील है इसमें हमारा व्हील होता है ओके नाउ यू कैन सी व्हील एक्सेल तो इसमें आप ये बताएंगे विच विल बी ईजियर टू टर्न जो स्टीयरिंग व्हील है उसको टर्न करना इजी है या हमारे एक्सेल को टर्न करना इजी है यस yes, व्हील को टर्न करना इजी है क्योंकि जो व्हील है उसका सरफेस एरिया ज्यादा है ओके तो इसीलिए हम व्हील को इजिली टर्न कर सकते हैं नाउ सी व्हील एंड एक्सेल तो व्हील को टर्न करना इजी होता है इट इज इजियर टू टर्न द व्हील देन द एक्सेल एज द व्हील इज वाइडर क्योंकि जो व्हील है वो हमारा चौड़ा होता है ओके वाइडर मीन्स चौड़ा, वाइडर और जो एक्सेल होती है वो नैरो होती है तो इसीलिए उसको टर्न करना इतना इजी नहीं होता है अंडरस्टैंड यू कैन सी इन द पिक्चर व्हील एंड एक्सेल तो इसके साथ जो एक्सेल होती है उसके साथ हमारी एक रोड और अटैच होती है यू कैन सी ये एक एक्सेल हो गई और इसके साथ ही हमारी एक और रोड अटैच होती है तो वो क्या करती है इस व्हील को मूव कराती है नेक्स्ट वाले को तो जब भी हमारे स्टीयरिंग व्हील से हम वर्क करते हैं तो हमारे जो टायर्स हैं वो मूव करते हैं ओके तो इसमें हमारा पहले जो व्हील है उसको टर्न करेंगे तो जो व्हील है वो क्या करेगा एक्सेल को टर्न करेगा और फिर जो एक्सेल है वो अनदर रोड को टर्न कराएगी और फिर जिसकी वजह से वो जो सेकेंड वाली रोड है वो हमारे व्हील को टर्न कराएगी ओके वेन द व्हील टर्न्स द एक्सेल ऑल्सो टर्न्स जब व्हील टर्न होता है तो एक्सेल भी टर्न होता है द एक्सेल इज कनेक्टेड टू अनदर रोड इन सच अ वे दैट इट मेक्स द टायर्स ऑफ द व्हीकल टर्न और जो हमारी एक्सेल होती है वो इस टाइप से हमारी कनेक्ट होती है कि जो रोड है दूसरी जो रोड है वो भी हमारी टर्न करती है और जिसकी वजह से जो हमारे व्हीकल्स होते हैं व्हीकल्स के जो टायर्स होते हैं वो हमारे टर्न करते हैं मूव करते हैं ओके आई होप यू अंडरस्टैंड

जो थिंग्स हैं ऑब्जेक्ट्स हैं उनको टर्न करने में हेल्प करता है ओके okay? तो जिसकी वजह से हम लेस फोर्स अप्लाई करके अपने ऑब्जेक्ट को टर्न कर सकते हैं ओके इफ यू एवर सी द इनसाइड ऑफ अ डोर नोव अगर आपने डोर नोव में देखा हो तो वहां भी हमारा व्हील एंड एक्सेल वर्क करता है यू विल नोटिस दैट इट इज अटैच टू अ रोड दैट गोज इनसाइड द डोर तो जो डोर के अंदर भी हमारी एक रोड फिक्स होती है तो वो रोड एक्सल का वर्क करती है और जो हमारी डोर नोब है वो हमारा व्हील का वर्क करती है ऑल्सो द डोर इज मच वाइडर देन द रोड एंड इन अ कार द स्टीयरिंग व्हील इज वाइड एंड देयर इज अ रोड विच वी कैन नोट सी दैट गोज डाउन इन टू द कार वन द स्टीयरिंग व्हील इज टर्न द रोड हेल्प्स टर्न द टायर्स ऑफ द कार दिस कॉम्बिनेशन ऑफ अ व्हील एंड अ रोड अटैच टू इट सच दैट बोथ टर्न टूगेदर इज कॉल्ड व्हील एंड एक्सेल तो जो हमारा स्टियरिंग व्हील होता है उसमें भी हमारा व्हील एंड एक्सेल यूज होता है जिसमें हमारी एक्सेल हमें दिखाई नहीं देती है ओके और जो स्टियरिंग व्हील है उसमें हमारा जो व्हील है पहले व्हील टर्न करता है तो जैसे ही व्हील टर्न करेगा तो जो हमारी एक्सेल है वो भी हमारी क्या करने लगती है टर्न होने लगती है और जो हमारी एक्सेल होती है वो दूसरे रोड से अटैच होती है तो ये अब इस रोड को टर्न करेगी और जैसे ही रोड टर्न होगी तो ये हमारा व्हील से कनेक्टेड होता है टायर्स के टायर्स के जो टायर्स से कनेक्ट होगा तो जो अब ये टायर्स हैं ये भी हमारे टर्न होंगे ओके सो दिस कॉम्बिनेशन मेक्स आर वर्क ईजियर इन द व्हीकल्स को जब मूव कराते हैं या हम उनकी डायरेक्शन को चेंज करते हैं तो उसमें हमारा स्टीयरिंग व्हील वर्क करता है और जिसमें हमारा सिंपल मशीन है कौन सा व्हील एंड एक्सेल ओके और जो हमारा स्टीयरिंग व्हील है उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करना इजी है क्योंकि वो वाइड होता है ओके देन द एक्सेल क्योंकि एक्सेल हमारी नैरो होती है तो नैरो को हम इजीली टर्न नहीं कर सकते हैं एक्सेल को इजीली टर्न नहीं कर पाएंगे लेकिन हम व्हील को इजीली टर्न कर सकते हैं आई होप यू अंडरस्टैंड दोटर टैप्स वी यूज एट होम आर ऑल्सो एग्जाम्पल्स ऑफ व्हील एंड एक्सेल्स जो हमारी वॉटर टैप घरों में यूज होती हैं तो वो भी हमारा व्हील एंड एक्सेल का ही एग्जाम्पल है द टॉप पोर्शन ऑफ द टैप विच वी टर्न वेन वी नीड वोटर तो ये जो टॉप पार्ट होता है इसको हम टर्न करते हैं जब हमें वोटर चाहिए ओके okay, तो इसमें भी हमारी जो एक्सेल है वो अटैच होती है इस व्हील के साथ तो जब हम टर्न करेंगे तो जो हमारा टैप है वो ओपन हो जाता है और उसमें से वाटर फ्लो होने लगता है एंड फंक्शन एज अ व्हील एंड इनसाइड इट कनेक्टेड टू एन एक्सेल दैट वी कैन नॉट सी तो जो एक्सेल है वो हमें इसमें दिखाई नहीं देती है ओके okay, बट ये भी हमारा व्हील एंड एक्सेल की तरह ही वर्क करता है स्क्रू ड्राइवर्स ऑल्सो फंक्शन एज व्हील एंड एक्सेल जो स्क्रू ड्राइवर होते हैं पेचकस, तो वो भी हमारा व्हील एंड एक्सेल का एग्जाम्पल है तो इसमें भी हमारा व्हील एंड एक्सेल फंक्शन करता है वेन वी टर्न हैंडल ऑफ द स्क्रू ड्राइवर इट एक्स लाइक अ व्हील एंड द रोड इज द एक्सेल यू कैन सी ये जो हमारा रोड है ये एक्सेल है और ये जो हमारा स्क्रू ड्राइवर का जो टॉप पार्ट है वट इज वट इट इज यस व्हील तो जब हम इसको रोटेट करते हैं तो क्या होता है यस yes, जो हमारा स्क्रूज होते हैं हम उसको टाइट कर सकते हैं उसको ओपन भी कर सकते हैं खोल सकते हैं स्क्रू ड्राइवर इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ व्हील एंड एक्सेल आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ यू विल ओपन योर वर्कशीट नंबर नाइन इन योर वर्क बुक आई होप यू हैव ओपविल डू क्वेश्चन नंबर वन इन यूर डब्ल्यू एस नाइन आई एम गिविंग यू थ्री मिनट टू कम्पलीट इट आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द आंसर आई होप यू हैव डन नाव लेट्स डिस्कस द आंसर लेबल द व्हील एंड एक्सेल इन द फॉलोइंग इमेज तो इसमें आपको व्हील एंड एक्सेल को लेबल करना है येस एक्सेल इज प्रेजेंट हियर एंड व्हील हमारा यहाँ है ओके इन द नेक्स्ट इमेज डोर में आप देख रहे हो एक्सेल हमारा अंदर होता है अंदर की साइड और व्हील यू कैन सी इन पिक्चर आई होप यू हैव हैव डन टुडे वी हैर्न अबाउट व्हील एंड एक्सेल व्हील एंड एक्सेल इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ सिंपल मशीन जिसमें हमारा जो व्हील है उसके ऊपर हम एफर्ट अप्लाई करते हैं और जिसकी वजह से हमारी जो रोड है वो इजीली मूव करती है व्हील के ऊपर हम एफर्ट इसीलिए अप्लाई करते हैं क्योंकि व्हील जो है वो हमारा वाइडर होता है और उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करना इजी होता है एज कंपेयर टू द रोड ओके आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द व्हील एंड एक्सेल नाउ लेट्स डिस्कस द होमवर्क यू विल रीड एस आर सेवन एंड यू विल डू क्वेश्चन नंबर वन एंड क्वेश्चन नंबर टू इन डब्ल्यू एस नाइन इन योर वर्क बुक ओके बाय हैप्पी लर्निंग